हमारे वेब टेक सपोर्ट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि PHP और MySQL से मिलके एक लॉगिन फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे वो PHP और MySQL से लॉगिन फॉर्म बनता है, जो प्रोफेशनल लॉगिन फॉर्म कैसे बनता है, कैसे वैलिडेशन होता है, कैसे वो काम करता है। अगर यूज़र पासवर्ड अगर रॉन्ग कोई डालता हो तो कैसे आप उसको वैलिडेट करके कह सकते हैं। जैसे आप जीमेल में देखते हैं कि जीमेल में अगर कभी रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिए हमने तो इंस्टेंट हमको रिजल्ट मिलता है कि दिस यूज़र आईडी और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करके हमारा मतलब ऐसे अलर्ट हमको दिया जाता है, मैसेज मिलता है। तो वो कैसे काम करता है, अगर हम रॉन्ग डाल देते हैं तो कैसे काम करता है, अगर परफेक्ट अगर हम डालें तो लॉगिन कैसे हो जाता है, हम होम पेज पे कैसे इंटर हो जाते हैं, तो वो सारा डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल, अगर आप PHP MySQL को जानना चाहते हैं कैसे लॉगिन फॉर्म काम करता है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, एक लाइक जरूर कर दें प्लीज़। जरा भी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल बैकग्राउंड के पीछे ना जाएं। बैकग्राउंड मैं उस तरह के प्रोफेशनल नहीं लिया हूं, जो मेरा है बैकग्राउंड वही मैं डाला हूं, लेकिन जो पढ़ाने वाला चीज़ है एक मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों को बताऊंगा कि PHP MySQL से मिलके लॉगिन फॉर्म कैसे काम करता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कैसे काम करता है, वो सारा चीज़ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए मैं ले चलता हूं लैपटॉप के स्क्रीन में और मैं स्टेप बाय स्टेप HTML PHP MySQL मिला के कैसे एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया जाता है वो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं लैपटॉप पर आ चुका हूँ और मैंने लॉगिन फॉर्म को मैंने बना के रखा है पहले से। ये PHP MySQL JavaScript लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन ये मैंने बना के रखा है पहले से। चलो मैं इसको थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं ये देखिए ये फॉर्म है, ये इंटरनेट पे है, लोकल होस्ट वेब लॉगिन डॉट PHP। ये भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर, ये नीचे रहेगा पासवर्ड। आप देखते होंगे जीमेल में इस तरह का डालते होंगे, जैसे कुछ भी हो india@gmail.com, ठीक है। यहाँ पासवर्ड अपना कुछ भी डालना हो, उसके बाद में अगर आप रॉन्ग डालते होंगे गलत तो आपको दिखाता होगा कि यहाँ नीचे क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड या तो ये गलत है दोस्तों। तो वो कैसे होता है वो चीज़ मैं लिए इस मतलब ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये इसको बोलते हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं PHP लैंग्वेज और JavaScript लैंग्वेज इसमें से। तो कैसे वैलिडेट होता है, कैसे इसको चेक करता है, वो मैं ये इस मतलब वीडियो में फटाफट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अब यहाँ इस तरह का रहा, सबसे पहले हम थोड़ा सा JavaScript से वैलिडेट करवा लेते हैं इसको। जो मैंने लिखा है यहाँ पर JavaScript, ये आप देख सकते हैं JavaScript से वैलिडेशन होता है, जो पॉपअप आता है क्लिक करने के बाद। अगर आप पॉपअप नहीं तो इसमें jQuery हम लगा सकते हैं दोस्तों इसके अंदर में, लेकिन फिलहाल मैं पॉपअप ही करके दिखाता हूँ। jQuery छोड़ो, बाद की बात है, बाद में करेंगे, लेकिन jQuery भी उसमें मतलब बना के दिखा सकते हैं आप लोगों को। तो यहाँ चलिए मैं JavaScript थोड़ा सा शुरू कर लेता हूँ इसके अंदर। स्क्रिप्ट चलिए मैं स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। एक फंक्शन ले लेना है, एक फंक्शन ले लेना है वैलिडेट, एक फंक्शन बना लेना है इसको। उसके बाद में जो भी कोड अपना लिखना है यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये मतलब ये फंक्शन जो है मैं इसको कर लिया। उसके बाद में जब ये क्लिक करेगा तो सबसे पहले चेक करेगा कि इफ गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लेते हैं इसमें, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी सेम इसको इसका वैल्यू हम ले लेंगे दोस्तों। गेट नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। उसके बाद में ये इसको थोड़ा सा नेट पे हम देख लेते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी को। हाँ, ये होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी।
गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या हम ले लेंगे इसका, सबसे पहले यहाँ सबसे पहले लिखने लगेगा डॉक्यूमेंट डॉट आईडी किसका आएगा, ये यूजर नेम का आईडी आएगा, यूजर नेम का आईडी हो गया। अब यहाँ से चेक कराएंगे इफ यूजर नेम वैल्यू जो हम वैल्यू डालेंगे इक्वल टू खाली, तो इसको अलर्ट करो, ठीक है दोस्तों, अलर्ट करो इसको, क्या अलर्ट करो करो प्लीज इंटर योर यूजर नेम, इस तरह का अलर्ट आएगा दोस्तों जब हम उस पर बटन पे, जब ये फंक्शन जो है मैंने कहाँ ले लिया, ये बटन जो है हमारा इस पर जो ये बटन है दोस्तों, ये वाला ग्रीन ये बटन है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पॉपअप आएगा जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट पॉपअप क्या आएगा, जब हमारा यूज़र नेम, जब ये फील्ड हमारा खाली होगा, ये फील्ड अगर हमारा खाली होगा तो यहाँ ये पूछेगा कि मतलब ये आपका खाली है, इसमें से अपना यूज़र नेम को डालें, इसलिए जावास्क्रिप्ट को लगाया जाता है, इसमें काम आता है जावास्क्रिप्ट को। तो ये वैल्यू अगर खाली हो तो इस तरह का मतलब ये अलर्ट करें, else alert good, मतलब ये खाली नहीं रहे, खाली अगर रहेगा दोस्तों तो इसमें से ये पॉपअप आएगा प्लीज इंटर योर यूजर नेम, अगर मतलब उसमें डाल देगा तो बोलेगा कि गुड है, इस तरह का पॉपअप आएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं थोड़ा चेक करके, ये देखिए दोस्तों ये पॉपअप आ रहा है इस तरह का, जब मैंने इसमें अब यहाँ आप देख सकते हैं प्लीज इंटर योर यूजर नेम और अगर हम इसमें डाल देंगे अगर कुछ भी हम अपना तो वो गुड लिखेगा, देखिए गुड, ये इस तरह से लॉगिन फॉर्म को काम करता है दोस्तों, ये गुड मतलब बताने लगा, ये गुड मतलब अच्छा मैंने डाल दिया इसके, और फिर हम इसको हटा देते हैं तो फिर ये बोलेगा कि प्लीज इंटर योर यूजर नेम। इसी तरह से हम सेम चीज जो है कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड के लिए, ठीक है, तो यहाँ पासवर्ड क्या है हमारा, पासवर्ड कि अगर अभी ये चीज जो है ये सेक्शन को बंद कर देते हैं, फिर एल सिफ लगेगा, यहाँ वो हटा देते हैं एल सिफ अगर पासवर्ड भी खाली हो तो वहां बोले कि प्लीज इंटर योर पासवर्ड, ठीक है इंटर योर पासवर्ड, एल्स अगर ये सारा चीज हो गया तो ये बोलेगा कि चलो दोनों का डाल देंगे हम, तो बोलेगा कि चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ हम सबसे पहले ले लेते हैं, देखिए प्लीज इंटर योर यूजर नेम, ठीक है, फिर ये मेरा पासवर्ड खाली है प्लीज इंटर योर पासवर्ड, फिर अगर हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 जो भी डाल देते हैं बोलेगा ये गुड है, चलो ठीक है, ये ठीक है तभी जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा दोस्तों। बस हम इतना वैलिडेट करवा के आपको चलते हैं अब कि सर्वर से जो चेक करवाता है कि हमारा यूजर नेम और आईडी जो है पासवर्ड सही है या नहीं है, वो चीज मैं असल में इसमें दिखाने वाला हूँ इसका। तो कुछ नहीं दोस्तों, सब सिंपल सी है, इसका कोड होता है पीएचपी का, तो चलिए मैं पीएचपी शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पीएचपी सबसे पहले आपको सर्वर जो है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हर जो वेबसाइट होता है, हर जैसे पेटीएम हो गया, मूवी क्विक हो गया, उसका अपना एक सर्वर होता है दोस्तों। सर्वर मतलब क्या कि हमारा जितना भी डेटा, अगर हम जितना भी आप समझ सकते हैं, चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर हम कोई यूजर ने पूरा डिटेल हम उसमें डाल के दे देते हैं तो वो कहाँ रहता है, कहीं तो उसको सेव रखता है वो सर्वर वाले ने, तभी तो मेरा जब हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं तो हमारा ही नाम दिखाता है, दूसरे का क्यों नहीं दिखाता है, इसलिए नहीं दिखाता है कि वो डेटा जो है अपने डेटा बेस में सेव कर लेता है वो पासवर्ड और यूजर को, और उसके बाद में उस मतलब हम जब लॉगिन होते हैं तो वो हमारा मतलब वो लॉगिन और पासवर्ड जब मैच करवाता है तो हमारा ही फिर
वो दिखाता है, नहीं तो दूसरे का दिखा देता है। इसीलिए ये चीज बहुत अहम चीज है, बहुत सिक्योर बनाया गया है इस चीज को, कि हम जो आईडी पासवर्ड मैच करवाएंगे उसके बाद डेटाबेस से, फिर वो डेटाबेस से मंगाता है, कॉल करता है उसको, उसके बाद में वो हमारा ही दिखाता है। नहीं तो दूसरे जब हम डालते हैं तो चेक कर लेता है कि नहीं ये आईडी पासवर्ड नहीं है, तो उसको बता देता है कि आईडी पासवर्ड गलत है दोस्तों। तो मैं चलिए एक डेटाबेस ले लेता हूँ, पीएचपी माई एडमिन का जो मेरा डेटाबेस है। ये हुआ, हर किसी के पास एक डेटाबेस होता है जो वहां जिसमें से वो सेव होता है सारा डेटा। अभी मैं चेक करके वेरीडेट करवा करवा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा डेटाबेस हो गया पीएचपी माई एडमिन, ये मेरा डेटाबेस हो गया। मेरा ये अब यहाँ एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, जो टेबल ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है इसको। ये हमारा टेबल है जिसके इसके अंदर में लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन का टेबल जो है, मैंने शायद लॉगिन का टेबल मैंने नहीं बनाया, मैं बना के दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। ये मैंने बना लिया, इसके अंदर में, इसके अंदर में हम ले लेते हैं नेम, नेम तो लॉगिन है ही, इसमें हम 3 कॉलम से ले लेते हैं पासवर्ड। ये इस तरह का ओपन हो गया दोस्तों। इस तरह का ओपन हो जाने के बाद में मैं यहाँ डाल देता हूँ आईडी, यहाँ डाल देता हूँ अपना यूज़र, यूज़र यहाँ नीचे रहेगा, ये टेबल का नाम है पास, पास ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये टेबल को मैंने क्रिएट कर लिया हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, ये पीएचपी माई एडमिन में जो डेटाबेस है उसमें से मैंने ये आईडी है, ये पीएचपी माई एडमिन का मतलब इसमें से यूज़र है, इसमें से पासवर्ड है दोस्तों। अब इसके अंदर में थोड़ा मैं इंसर्ट अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड है, मैं इसको थोड़ा इंसर्ट कर लेता हूँ इसमें से। चलिए एडमिन इसमें भी रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा पासवर्ड हो गया, ये मेरा एडमिन मतलब यूज़र नेम हो गया, ठीक है। इसमें अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलिए मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेव हो गया, देखना चाहते हैं, देखिए ये मेरा यूज़र नेम है और ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है दोस्तों। मैं कैसे इसको इंसर्ट किया जाता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, तो मैं बताऊंगा ये चीज़ की कैसे इंसर्ट किया जाता है, मतलब ये डेटाबेस में डेटा को, वो भी हम मतलब अच्छी तरीके से बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं सिंपल से अभी लॉगिन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे इसको वैलिडेट करता है, कैसे चेक करता है, कैसे उसको बनाता है। तो चलिए ये मेरा एडमिन हो गया, यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको डेटाबेस में अपना ये जो डेटाबेस है ये इसमें से मैं सबसे पहले कनेक्ट करूँगा इसके साथ में, ये यहाँ पे। तो चलिए मैं सिंपल कोड लिख देता हूँ इसके लिए, MySQL सेलेक्ट कनेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए मैंने MySQL कनेक्ट लिख दिया इसके अंदर में, और यहाँ लिख देते हैं और डाय, यहाँ पे जो अगर मेरा डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तो इसमें से एरर आएगा, डी डेटा बेस कुड नॉट कनेक्ट राइट नाउ, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा कनेक्ट नहीं हुआ तो ये मैसेज मुझे दिखाएगा कि डेटाबेस में कनेक्शन नहीं हुआ, और अगर हो जाएगा तो कुछ नहीं दिखाएगा। अब मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्या था, क्या था डेटाबेस का नाम, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह पे मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, मेरा डेटाबेस का नाम है लॉगिन फॉर्म। चलिए मैं इस जगह पे डाल देता हूँ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसको थोड़ा रिफ्रेश करके कि एरर आता है कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए मैं सॉरी ये यहाँ ये इस जगह पे ये नहीं, ये डेटाबेस कनेक्ट नहीं, डेटाबेस इसमें से कनेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर में आएगा, फिर एक कॉमा आएगा, फिर एक पासवर्ड यूज़र आएगा, फिर एक पासवर्ड आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ एक मतलब डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए लोकल होस्ट लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट, यहाँ यूज़र में जो है रूट दे देंगे, ये तो मेरा लोकल होस्ट है, ये नेट पे नहीं है, नेट पे भी हम डाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पासवर्ड खाली रहेगा मेरा। अब चलिए मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ये देखिए कोई, ये मेरा इस तरह का एरर आया है, देखिए डेटाबेस कुड नॉट कनेक्ट राइट नाउ, मतलब डेटाबेस मेरा जो है कनेक्शन नहीं हुआ इसके साथ में। तो क्या है इसमें से, लोकल एच ओ एस एस यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, लोकल होस्ट रूट
अब मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये एरर जो मैसेज आ रहा है, ये देखिए मैसेज हट गया मैंने जब उसको सही किया तो। और ये जो एरर है इसको मतलब ये इसका टेक्निकल एरर है, कुछ अलग चीज़ का है, कुकी सेशन वगैरह कुछ अलग चीज़ है, ये हाइड हो जाएगा। चलिए मैं इसको हाइड ही कर देता हूँ इसमें से। एरर रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो, तो वो हाइड हो जाएगा दोस्तों, एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो। चलिए मैं एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो कर दिया तो ये हाइड हो गया। चलिए अभी मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरा भी ये खाली है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ मेरा पे ये चीज़ का मतलब अब जो है मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया उसमें से, अब मैं डेटाबेस को कनेक्ट करता हूँ। MySQL सेलेक्ट DB, डेटाबेस जो है मेरा सेलेक्ट करेगा, और डाय, इसमें से भी मेरा एरर आएगा अगर कहीं किसी जगह पे मैंने मिस्टेक किया तो, जैसे डेटा डेटा बेस कुड नॉट कनेक्ट, सॉरी सेलेक्ट सेलेक्ट राइट नाउ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ डेटाबेस का नाम नहीं रखा है इसीलिए देखना ये मैसेज एरर मैसेज मेरा शो करेगा दिखाएगा दोस्तों। ये देखिए डेटाबेस कुड नॉट सेलेक्ट राइट नाउ। अब जब मैं यहाँ डेटाबेस नंबर नाम डाल दूंगा तो वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा, क्या नाम है इसका डेटाबेस का, डेटाबेस का मेरा नाम है लॉग इन रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए मैं इसको इस जगह पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा पेज को, ये अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ इसमें से प्रॉब्लम है। मैं इसको सेलेक्ट सेलेक्ट DB लॉग सॉरी ये नहीं, ये तो टेबल है, ये नहीं आएगा। मेरा डेटाबेस का नाम जो है ये है, इसमें से जैसे लॉगिन फॉर्म है मेरे डेटा का नाम, ये जो है ना ये ऊपर वाला, ये लॉगिन फॉर्म, ये है मेरा डेटाबेस का नाम, यहाँ मैंने गलत दे दिया, लॉगिन फॉर्म ये है डेटाबेस का नाम दोस्तों। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसके अंदर में, ये देखिए आ गया, ये हो गया दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा PHP का कोड लिखना पड़ेगा डेटाबेस में चेक करने के लिए यहाँ, ठीक है। तो मैं अभी अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो मैं लिख के ही मतलब डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, तब तक मैं एक वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो है मैं सारा वेरिडेशन का कोड PHP का जो भी है मैंने लिख लिया इसके अंदर में, और ये हो गया, ये है PHP, और ये है ये जो स्क्रिप्ट तक बंद है, ये है JavaScript, और इधर भी जो दिखा रहे हैं ये जो है स्क्रिप्ट के बाद इधर जो है HTML का है, HTML इधर जो है वो है स्टाइल शीट CSS का है, इतना कोड है। उसके बाद में ये अच्छा परफेक्ट काम कर रहा है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, ये मैंने खुद लिखा है, मतलब ये मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेटाबेस का कनेक्शन है दोस्तों, ये डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए अब जब पोस्ट करेगा कोई PHP में तो ये MySQL का है क्वेरी, ये MySQL सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन रिकॉर्ड, इस तरह का ये डेटाबेस का टेबल है, ये पास यहाँ वैल्यू आएगा, कहाँ से वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा यहाँ से आपका, ये जो टेबल ये फील्ड है दोस्तों, ये जो फील्ड है ये वैल्यू कैच करेगा, ये यहाँ पे कैच करेगा, उसके बाद में ये डेटाबेस का एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, ये मैंने वैल्यू को मैंने यहाँ दे दिया, अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद में एग्जीक्यूट करके इसको इसमें MySQL नम रोज में डाल देगा, उसके बाद में चेक करेगा कि डेटाबेस में अगर ये जो मैंने ये जो क्वेरी जा रहा है, ये जो वैल्यू जा रहा है, अगर डेटाबेस में हमारा जीरो है, अगर नहीं उसमें है तो मैसेज इसमें से दिखा द यूज़र और पासवर्ड इज इनकोरेक्ट, ये जो पासवर्ड और ये है तो मतलब अगर नहीं है डेटाबेस में तो वो जीरो है उसके अंदर में, तो मतलब जीरो है नहीं है तो उसके लिए एरर हो गया, और अगर है उसके अंदर में तो एल्स या इफ का कंडीशन लगाया हूं मैंने, तो यहाँ इफ यहाँ ये इफ बंद हो गया, इसके बाद में एल्स लगाया, उसके बाद इफ मतलब अगर, और अगर नहीं तो एल्स, एल्स अगर नहीं तो ये मतलब मेरा पेज को रिडायरेक्ट कर दो दोस्तों। तो दोस्तों बस मैंने इस मतलब ये चीज को मैंने अब लाइव करके दिखा देता हूँ कि ये चीज जो है देखिए इसमें से लॉगिन है। अब लॉगिन में अगर मेरा डेटाबेस में जो है दोस्तों आप देख सकते हैं डेटाबेस में इस जगह पे लॉगिन रिकॉर्ड,
लॉगिन रिक्वायर्ड में देखिए मेरा एडमिन है, 1 2 3 4 5 6 है, एडमिन है, यूजर नेम पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। तो चलिए मैं इसके अंदर में डालता हूँ यूजर नेम जो है मेरा एडमिन, एडमिन है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हेलो दिस इज होम पेज, अगर मैंने सही डाला, करेक्ट डाला इसके अंदर में तो ये सही काम कर रहा है। अगर नहीं, इसमें बैक आ जाता हूँ। अगर मैं 1 2 3 4 के जगह में, एक मिनट मैं दिखाता हूँ इसके अंदर में से थोड़ा पासवर्ड जो है टाइप में टेक्स्ट कर देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा टेक्स्ट पासवर्ड की जगह पर, ठीक है। अब यहाँ जो है एडमिन मैंने डाला, एडमिन, और यहाँ कुछ रॉन्ग पासवर्ड मैंने डालता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 5 ही डालता हूँ। अब ये एरर आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे द यूजर और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। और यही मैंने अगर रियल में जो है पासवर्ड में डाल देता हूँ, रियल में जो डेटाबेस में है पासवर्ड, वो मैं डेटाबेस का पासवर्ड इसमें से डालता हूँ। अब यहाँ देखिए ये है एडमिन, एडमिन का मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ से कॉपी नहीं हो पा रहा, तो ठीक है मैं यहाँ डायरेक्ट एडमिन लिख देता हूँ, एडमिन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आप देख सकते हैं डेटाबेस में भी 1 2 3 4 5 6 है, ये डेटाबेस में देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से मैंने टाइप कर दिया, अब ये मैं सबमिट करूंगा अगर इसमें से, तो मेरा लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये लॉगिन डायरेक्ट कर दिया। अगर मैं रॉन्ग डालता हूँ, अगर 1 2 3 4 6 नहीं डालता हूँ, 5 डालता हूँ, या तो कुछ अलग चीज डालता हूँ, तो ये